रेवाड़ी सीट से कांग्रेस प्रत्याशी चिरंजीव राव ने पूरी ताकत झोंक दी। महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने के बाद चिरंजीव राव ने रोड शो भी किया है। इस दौरान भारी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ा है। इस दौरान पूर्व मंत्री अजय यादव, राजस्थान में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा और चिरंजीव राव की पत्नी अनुष्का राव ने उनके पक्ष में प्रचार प्रसार किया है। इस दौरान लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया है। गोविंद डोटासरा ने दावा किया है कि प्रदेश में प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। वहीं कैप्टन अजय यादव ने कहा है कि कांग्रेस हरियाणा में 70 सीट जीतने जा रही है। दिन से कि एक तरफा जीत है और पूरी रेवाड़ी आज मेरे बुजुर्ग माता है, मेरे नौजवान साथी जिस तरह निकल के आए, मेरे पीसीसी अध्यक्ष हमारे डोटासरा जी यहाँ है, इनको देखने के लिए भी बहुत लोग यहाँ पर आए। ये साफ तौर पर दर्शा रहा है कि कांग्रेस पार्टी एक तरफा ही जीत रही है। सभी सभी युवा साथियों को, बुजुर्गों को, माताओं बहनों को एक ही बात कहूंगा, 5 तारीख को जब वोट डालने जाए तो अपने बेटे अपने भाई के 5 साल के काम, मेरे दादाजी की मेहनत जो उन्होंने करी, मेरे पिता ने जो विकास, उसके नाम पर वोट करें। ये तो लग रहा है बिहार भी फेल है इस चुनाव को देखकर। मुझे रेवाड़ी को मैं मैसेज देना चाहूंगी कि अगर इतना मेहनती लड़का जो खड़ा हुआ है रेवाड़ी के लिए, आप लोग के लिए आगे भी चल के बहुत ही मेहनत वाले काम करने वाले हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि अगर इनको पद मिलता है डिप्टी सीएम का तो मैं तो बहुत ही खुश होंगी। एनर्जी कांग्रेस में है, ये बेईमान लोग है, बीजेपी वाले निकम्मे लोग है, काम करते नहीं है, सब लोग परेशान है, भ्रष्टाचार का आलम है, पर्चियां दिल्ली से आती हैं और यहाँ पर फैसले होते हैं, गुजरात के बड़े बड़े व्यापारी बड़े बड़े टेंडर लेके हर स्टेट में लेके जाते हैं। किसानों में, छोटे व्यापारी में और कर्मचारियों में बड़ा जोश है और इस बात को आपने देखा होगा कि इतनी बड़ी, मेरे ख्याल से मैंने अपने 40 साल के जीवन में, मैं भी राजनीति में रहा हूँ, लेकिन इतनी बड़ी मैंने जो है कभी मैंने जोश नहीं देखा।